सैयद काशिफ रज़ा की किताब चार दरवेश और एक कछुआ। इससे पहले कि हम इस पर गुफ्तगू शुरू करें, मैं अपने साथ बैठी डॉक्टर शमा अफरोज़ साहिबा का मुख्तसर तारुफ़ कर दूं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में, शायरा भी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। इनकी चार किताबें तनकीदी मजामीन की छप चुकी हैं। काशिफ को मेरा ख़्याल से सभी जानते हैं। ये अपने पेशे के एतबार से जर्नलिस्ट हैं और वैसे ये शायर की हैसियत से बहुत अरसे से मशहूर हैं। इनकी दो किताबें शायरी की छप चुकी हैं और तर्जुमे हैं इनके बहुत सारे। इन्होंने नोम चोम्स्की की किताब दहशत की सकाफत का तर्जुमा किया था, फिर इन्होंने मिलान कुंडेरा की किताब का तर्जुमा किया है, बुरहे की किताब का तर्जुमा किया है और हाल ही में जो बहुत नोटोरियस हुई किताब मोहम्मद हनीफ की किताब केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज का तर्जुमा भी इन्होंने किया था और हमने शाया किया था। तो गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इस पे आसिफ फरूखी साहब, जिन्हें मरहूम कहते हुए दिल अभी भी दुखता है, उनका एक छोटा सा इस पर इक्तिबास मैं काशिफ आप अगर अपनी क्लासेस में ले जाएं। आसिफ लिखते हैं, ये उन्होंने उर्दू कॉन्फ्रेंस में पढ़ा था एक मज़मून, उसमें से है। उर्दू नावल का ताज़ा तरीन कारनामा काशिफ रज़ा का चार दरवेश और एक कछुआ है। पंजाब के एक छोटे से शहर में जुर्म और मोहब्बत से लेकर कराची की मसरूफ़ शहरी ज़िंदगी, मीडिया की चकाचौंध और छोटी छोटी गलियों में अकीदे की दम तोड़ती जद्दोजहद जैसे मुख्तलिफ अज्ज़ा एक दूसरे के साथ जुड़कर एक पूरे सफ़र बल्कि क्वेस्ट की दास्तान बन जाते हैं। हैयत के तजुर्बे वो अलग अलग जाविये फराहम करते हैं जिनसे मुख्तलिफ सतह की हकीकत को समझने का ऐसा इम्कान सामने आया है जिसने कई समाजी जावियों के बारे में सवाल उठाए हैं और इन सवालात में ही उर्दू नावल का नया इम्कान इस किताब की सूरत में सामने आया है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस किताब की इशात किस तरह हुई। ये कोई 2017 में कराची लिटरेचर फेस्टिवल में एक सेशन था जिसका नाम था न्यू वॉइसेस इन उर्दू, उर्दू ज़बान में नई आवाज़ें, जिसको हनीफ साहब मॉडरेट कर रहे थे और उसमें तीन शुरका थे, साइमा इरम, रफाकत हयात और काशिफ रज़ा। और मैं उस वक्त इन तीनों से वाकिफ नहीं थी, वैसे ही चली गई देखने और ज़ाहिर तजस्सुस था कि नए जो नौजवान लिखने वाले हैं वो क्या लिख रहे हैं, और इन सब ने अपने तहरीरों में से इक्तबासात पढ़ने थे और इन सब की तहरीरें बिल्कुल चौंका देने वाली थी। लेकिन उसमें ख़ास कर काशिफ की तहरीर से मैं उस वक्त बहुत ही इम्प्रेस हुई और मैंने देखा कि वो उस महफिल में जितनी ख्वातीन बैठी थी वो खासी बल्कि मर्द भी उसमें काफ़ी अनकम्फर्टेबल हुए थे, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था उनकी तरफ देख के भी और काशिफ की तहरीर सुन के भी, और मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि कभी इनसे फिर वो बात आई गई हो गई। कुछ एक आध साल बाद शायद फेसबुक पे मैंने एक थ्रेड चल रहा था, थ्रेड इस बात पर था कि पब्लिशर्स जो हैं वो किताबों को बहुत महंगा छापते हैं और उस ज़माने में सिप्ते हसन साहब की वो सेंटेनरी मनाई गई थी और उसके हवाले से मकतबे दानियाल का ज़िक्र भी आया। तो मैं अमूमन ये करती नहीं हूँ लेकिन मैं कूद पड़ी और मैं अपने आप को डिफेंड करने लगी कि नहीं देखें, हमें रॉयल्टी भी देनी होती है, हमें 50% बुक सेलर को भी देना होता है, उस लिहाज से हम रखते हैं। खैर, तो वो मुझे अब याद नहीं है कि काशिफ की ही थ्रेट शुरू हुआ था, इन्हीं के इस पे था, लेकिन एक बहुत मैंने देखा कि ये बहुत जो गुफ्तगू हो रही है उसमें इनका जो था वो बहुत लहजा बहुत अच्छा सलीके वाला था और मैंने इनको लिखा कि आप आए मुझसे मिलें और ये आ गए और वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर बात इनकी नावल की भी हुई और हनीफ के तर्जुमे की भी हुई
और इस तरह ये किताब पहले छपी। तो ये तो थोड़ा बैकग्राउंड था इस किताब के छपने का। साइमा, मैं चाहूँगी कि आप, सॉरी शम्मा, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस, मुझे मालूम है कि आप लिख के भी लाई हैं, बेशक आप इसमें से भी पढ़ती जाएं और कुछ थोड़ा हम गुफ्तगू भी करेंगे इस किताब के हवाले से। हम, मैं चाहूँगी कुछ, क्योंकि यहाँ कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ी भी नहीं होगी इस किताब को, तो इसके 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 बारे में, इसके 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 स्ट्रक्चर के बारे में भी, इसके किरदारों के बारे में भी हम बात करेंगे और इसके प्लॉट के हवाले से भी। तो हेलो, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं काशिफ साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इनका ये नावल का दूसरा एडिशन शाया हुआ है और हाल ही में यूबीएल लिटरेरी अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो इसके लिए मुबारकबाद। और दूसरी ये कि चार दरवेश और एक कछुआ, ये सबसे पहले जब आप नाम सुनते हैं तो अगर आपने बाग़ो बहार किताब पढ़ी हो दास्तान की, तो पहला इशारा वहीं से मिलता है कि इसका कुछ ना कुछ इस पर असर होगा। फिर काशिफ साहब ने जिस अंदाज से ये नावल लिखा है और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है, उसलूब जिस तरह से निखर के इनका सामने आया है, वो पढ़ते हुए यूँ महसूस नहीं होता कि ये पहली बार इन्होंने ये नावल लिखा है। पहला नावल ही है और उसे अवार्ड भी मिल गया है, तो उसका मतलब ये है कि ज़हनी तौर पर नावल निगार बहुत पुख्ता हैं, वसी मुताला रखते हैं और कलम पर भी, अपने कलम पर भी गिरफ्त रखते हैं। और जहाँ तक नावल के कैनवस की बात है तो बहुत वसी है। इसके मौजूद पर अगर नज़र सानी की जाए तो उसमें बहुत से मौजूद मिलते हैं जिसका अहाता काशिफ साहब ने अपने नावल में किया है, चाहे वो सियासत के लिहाज से हो, मुल्क की सियासत के लिहाज से हो, मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी असरात के लिहाज से हो, चाहे वो दहशतगर्दी के लिहाज से हो कि हम अंदरूनी तौर पर किस तरह उससे मुतासिर हैं, किस तरह से दोचार हैं उससे, और बैरूनी जो सख्तियाँ हैं, हमले हैं इस लिहाज से, और जो दबाव हम बर्दाश्त करते हैं और करते आ रहे हैं जब से, उसका क्या असर है हमारे माशे पर। और इसको सिर्फ माशे पर ही नहीं देखा जा सकता, इसको इकाई की सूरत में भी, यानी यूनिट की सूरत में भी हम देख सकते हैं कि एक फ़र्द इससे किस तरह मुतासिर होता है और उसे हम पूरे इज्तमाही तौर पर भी, यानी पूरा माशरा उससे दो चार होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं, उस दबाव में नहीं आते, अपनी ज़िंदगी को अपनी ही नहज पर गुजार रहे होते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कसम पुरसी में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं और वो फ़ैसले करने के भी काबिल नहीं होते कि अपनी ज़िंदगी के वो फ़ैसले ख़ुद से कर सकें। वो हालात ही पर मुनासिर होता है कि वो कहाँ उन्हें लेके जाए। इसके फ़िरका वारियत पे भी इस पर नज़र रोशनी डाली गई है, इसमें मज़हबी इंतहा पसंदी को भी नुमाया किया गया है और सियासत की भी बात है तो सियासत में ख़ास तौर पर सिंध की जो सियासत है उससे इन्होंने अपना काम लिया है, उससे कहानी आगे बढ़ाई है। और ख़ास तौर पर सन 70 के बाद से जो मुल्क सूरत हाल रही है सियासत की, उससे इन्होंने अपना ताना बाना बुना है कहानी का। और चूंकि ये इस्लामी मुल्क है, इस जमहूरी इस्लामी पाकिस्तान, तो इसका जो पस मंज़र है वो बादशाहों से भी इन्होंने जोड़ने की कोशिश की है कि जो हिंदुस्तान के बादशाह गुज़रे उन्होंने किस तरह के फ़ैसले किए और जिस तरह के फ़ैसले किए उसके असरात आज तक हम भुगत रहे हैं या उसे दोचार हैं। और इसके अलावा जहाँ तबकाती मसाइल हैं वहाँ पे जहालत भी है, उसका सामना भी है, तो इन सब चीज़ों को भी इन्होंने अपने नावल का मौज़ू बनाया है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो औरतों का इस्तेहसाल भी इसमें नज़र आता है ख़ास तौर से, और जिस तरह से मंजर कशी इन्होंने की है
वो एक एक मुकालमे को अगर आप बग़ौर पढ़ें तो उसमें बहुत फितरी अंदाज़ है। और ये नावल निगार की बड़ी कामयाबी होती है कि वो अपने मुकालमों के ज़रिए जो किरदार निगारी कर रहे होते हैं उसकी नफ्सियात भी कारी पर खुलते चले जाएं। उसकी किस तरह की नफ्सियात है, वो क्या सोचता है और क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द, और क्या उसकी ज़िंदगी उसके मुताबिक चल रही है कि नहीं। ये सारी बातें, ये सारी सोच, ये सारी फ़िक्र, इस तरह के ख़यालात और इस तरह के नज़रियात जो इस नावल में मौजूद हैं, इसको मज़ीद वसी और जहत अदा करने के लिए काशिफ रज़ा साहब ने बहुत से मग़रबी शायर अदीब फ़लसफ़ियों का भी इसमें ज़िक्र किया है, उनके नज़रियात का ज़िक्र किया है, उनके अफकार से फ़ायदा उठाया है, और यहाँ की जो ज़िंदगी है उसको उन नज़रियात की तौजीहात हासिल रही है इस तरह से। क्योंकि अगर आप यूँ करें कि हमारी नानी जान ये कहती थी, हमारे मोहल्ले के दादाजी ये कहते थे, तो कोई बात मानेगा नहीं, तस्लीम नहीं करेगा, बहुत आसानी से उसे रद्द कर देगा। इन सब ज़िंदगी की जो मुश्किलात हैं, सोच है, फ़िक्र है, उसको मज़ीद मज़बूती अता करने के लिए इन्होंने फ़लसफ़ियों का से मदद ली है। और इसमें बहुत से जहाँ किरदार हैं वहाँ पर कुछ किरदार इस तरह से हैं कि जैसे मेल किरदार, मर्दाना किरदार, उसमें इकबाल मोहम्मद ख़ान साहब का किरदार है और जावेद इकबाल का किरदार है, आफ्ताब इकबाल का किरदार है, ये तो अहम किरदार है, मरकज़ी किरदार है। ये तीन मरकज़ी किरदार हैं और इसके अलावा एक और कछुआ इनका मरकज़ी किरदार है, पांच इसमें मरकज़ी किरदार हैं, और ये सारे के सारे मर्दाना किरदार हैं। और ये जो इनकी नफ्सियात है और जो इन्होंने पेश किया है वो जिन्सियात की ख़ास रौ के तहत भी इन्होंने पेश किया है कि जैसे इकबाल मोहम्मद ख़ान साहब हुस्न परस इंसान हैं और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी अपनी शर्तों पे गुजारी है, और उनके मिजाज में, उनकी ज़िंदगी तर्ज़ ज़िंदगी में कहीं भी मुफामत नहीं है, और कहीं भी उन्होंने इस तरह से फ़ैसले नहीं किए कि फ़िरका वारियत या मज़हबी इंतहा पसंदी या इस तरह दीगर चीज़ों को उन्होंने बालाए ताक ही रखा है और ज़िंदगी इसी तौर से आगे बढ़ाई है। लेकिन इसके बावजूद उनको मज़ामत का सामना करना पड़ता है, तंकीद का सामना करना पड़ता है। इस ज़मन में उन्होंने दो शादियाँ की, एक तो अमतर से शादी की जो मज़हबी जहन रखती थी, तबीयत रखती थी, दूसरी शादी उन्होंने अपनी सुल्ताना से की। ये काफ़ी मॉडर्न खातून थीं और इन दोनों में फ़र्क ये है कि वो मज़हब को बुनियाद बना के अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं, ये चाहते हैं कि ज़रा मॉडर्न हो और इनके साथ चले, और लेकिन वो ऐसा नहीं करते। लेकिन सुल्ताना जब इनकी ज़िंदगी में आती हैं तो वो सोचते हैं कि अब ज़िंदगी इनकी बहुत मुस्तहकम हो गई है, आगे बढ़ेगी। लेकिन इनकी जो खसलत होती है, आदत होती है कि ये औरतों में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं, यही वजह बनती है उनकी लड़ाई की, झगड़े की, और सुल्ताना उन्हें एक दिन छोड़ के चली जाती हैं, कराची शिफ्ट हो जाती हैं। ये तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, इस तरह ये क्योंकि तन्हा रह रहे होते हैं मज़ीद आज़ादी मिल जाती है, तो मज़ीद इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं गांव में कि ये किसी खातून को देख लेते हैं और वो खातून को बहुत पसंद आ जाती हैं, तो ये किसी से पूछने के बजाय कि ये कहाँ रहती हैं, उनको मालूम है कि गाँव की खातून है, अगर मैं अपने मुलाजिम से पूछूँगा तो वो बता ही देगा, तो कुछ बातें तो वो पूछ लेता है, क्योंकि उसका नाम होता है आलमगीर। आलमगीर उमूमन हम सुनते हैं कि मर्दों के ही नाम होते हैं, लेकिन ये काशिफ साहब ने उस कल्चर को भी सामने पेश किया है कि पंजाब में ऐसा भी होता है कि मर्दाना नाम अगर रख रहे हैं तो उसमें बीबी का लफ्ज़ साथ में लगा देते हैं, तो वो औरतों के या नाम हो जाता है। तो इसी तरह से आलमगीर वो कहता है कि भाई आलमगीर नाम का तो कोई शख्स यहाँ नहीं रहता, तो वो कहता है ज़रा जहन में जोर डालो कि कोई तो है जिसका ये नाम है, तो फिर बताता है खातून है जिसका ये नाम है।
फिर उसके बाद चूँकि ये तहसीलदार होते हैं, सारी फाइलें और ऐसा ही सारी चीज़ें इनके पास मौजूद होती हैं, ख़ुद ही तलाश कर लेते हैं और मालूम होता है कि कांस्टेबल जो शौकत है वो कांस्टेबल है, उसका शौहर है। अब ये सोचते हैं कि उस तक किस तरह पहुँचा जाए, तो थाने वहाँ विज़िट करते हैं, वहाँ विज़िट करते हैं तो उससे कहते हैं कि भाई इस कांस्टेबल को ऐसा करो मेरे घर में मुलाजिम लगवा दो, वहाँ काम पे लगवा दो। ये बड़ी आसानी से हो जाता है कि वहाँ से रसूख उनका अच्छा खासा होता है। अब यहाँ से एक नई कहानी शुरू होती है आलमगीर की। आलमगीर उनकी दस्तरस में आ जाती है इस तरह, और ये यहाँ पर ये इसकी कहानी अब रुक जाती है, फिर ये एक नया सिलसिला शुरू होता है। फिर इकबाल मोहम्मद ख़ान की कहानी भी रुक जाती है, और ये एक अगर हम नावल पढ़ रहे होते जब पढ़ रहे थे तो एक चीज़ सामने आई थी कि जब कहानी शुरू होती है जावेद इकबाल से, उसके किरदार से, हमें महसूस यूँ होता है कि जैसे ये नावल पूरा का पूरा जावेद इकबाल पे ही मुनसर है या उसी की कहानी आगे पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जावेद इकबाल मरकज़ी किरदार हैं, उनकी भी अपनी कहानी है, उनके साथ मिशाल है, बहुत अहम किरदार है ख़ातून का, ये भी सुल्ताने की तरह बहुत पुरएतमाद ख़ातून हैं और सुल्ताने की तरह से ही अपने फैसले खुद करने का हौसला भी रखती हैं और करती भी हैं। ये किसी के गिरफ्त में नहीं आती जिस तरह के जावेद इकबाल भी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये किसी के गिरफ्त में नहीं आती जिस तरह से सुल्ताना नहीं आई उनकी गिरफ्त में। और ये कहानी ये यहाँ पे इनकी कहानी होती है, फिर इसके बाद आफ्ताब इकबाल की कहानी शुरू हो जाती है। वो प्रोफेसर हैं, मंतकी मिजाज रखते हैं, वो चूँकि उनकी माँ दूसरे मज़हब से उनका ताल्लुक़ था तो वो बड़े लिए दिए रखते हैं, कोई इंटरेस्ट अपना ज़ाहिर नहीं करते, कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं करते कि कुछ मसाइल दरपेश ना हो जाएँ मज़ीद। तो ऐसे में एक सलमा एक ख़ातून होती है जो उनकी शागिर्द होती हैं, वो उनमें ख़ासी दिलचस्पी लेती हैं, तो वो कश्मकश का शिकार हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन सलमा इस कदर उन्हें दबाव डालती है कि वो राज़ी हो जाते हैं, लेकिन राज़ी होने के बावजूद इनकी शादी नहीं हो पाती, क्योंकि इनके सलमा के फादर वो जान लेते हैं कि ये गैर मज़हबी है, इसका कुछ और सिलसिला है, तो वो इनकी शादी नहीं होने देते। बहरहाल इनकी भी कहानी यहाँ आके रुक जाती है, और फिर अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक नई कहानी है, ऐसा महसूस होता है कि ये एक नए किरदार की कहानी शुरू हो गई है। जैसा बागो बहार जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हर दरवेश अपनी अपनी कहानी सुना रहा होता है कि पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरे, चौथे, इस तरह से कहानी आगे बढ़ती, तो हर दरवेश की अपनी अपनी कहानी होती है। यहाँ भी हम यही सोच रहे थे कि आफ्ताब इकबाल की कहानी भी वो एक अलग से है, लेकिन छोटा सा एक टुकड़ा इस तरह से सामने आता है कि सुल्ताना बेगम के हवाले से, कि सुल्ताना बेगम उन्हें फ़ोन करती हैं उसके जब फादर का इंतकाल हो जाता है, वारिस साहब का, बहुत अफसोस करती हैं, तो वो सोचता है कि इतने अरसे बाद मेरे वाले साहब की दूसरी बेगम ने मुझे फ़ोन किया और बहुत दुख का इजहार किया। अब यहाँ से अंदाज़ा होता है कि ये आफ्ताब इकबाल और जावेद इकबाल आपस में भाई हैं, सगे भाई हैं, लेकिन यहाँ ये भी अंदाज़ा नहीं होता कि जावेद इकबाल के वाले साहब भी वही हैं इकबाल मोहम्मद ख़ान साहब, और आफ्ताब इकबाल के वाले साहब भी वही हैं आफ्ताब इकबाल मोहम्मद ख़ान साहब। जब अब इसके बाद कछुए का की कहानी शुरू होती है, वो अपना बयान देता है, अब वो इस तरह से देता है चूँकि ये मंजर जब आप ख़ुद भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत से मनाज़र यूँ महसूस होंगे कि वो बिल्कुल एक फ़िल्म की तरह चल रहे हैं, इस तरह के मनाज़र हैं। तो उसमें अब एक तो किरदार ख़ुद भी अपनी नफ्सियात को मुकालमों के ज़रिए वाज़े कर रहा होता है, लेकिन वो पढ़ने वाला वो कितना उसको समझ रहा है, कितना उसके उसकी गहराई में जा रहा है, इसको मद्देनज़र रखते हुए शायद इन्होंने कछुआ का किरदार तख्लीक कर लिया हो कि कछुआ का किरदार है वो जिनसी किरदार है, और वो ख़ुद अपनी ज़बान से इसको बयान करता है कि
اچھا کچھوے کی پوری تاریخ بھی انہوں نے ایک فلسفیانہ انداز میں, دنیا کی تاریخ میں اس کا کیا کردار ہے, کس قسم کے ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہے. نام بھی ہے, نام بھی اور مزاروں میں اس کو کس قدر مانتے ہیں, اوتار مانتے ہیں کچھ مندر میں, تو یہ ساری چیزیں, اس کا پورا پس منظر, تاریخی پس منظر بھی انہوں نے بیان کیا, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی, خود بھی لکھ دیا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ بہت اہم معاملات رہے جب اس نے اپنی زبان سے کہا کہ وہ رومانٹک کیا چیز ہے اور اس کے, اس میں یہ بتایا کہ ایک جو مرد ہے اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں, کس طرح کی ہوتی ہیں, جب وہ کسی سے بات کرتا ہے تو کیا کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کس پہ وہ غور کر رہا ہوتا ہے اور کیا چاہتا ہے, تو یہ ساری باتیں کچھوے کی زبان سے انہوں نے بیان کی ہیں. جو کسر رہ گئی تھی کرداروں میں, کرداروں سے بیان کرنے کی, وہ ساری باتیں انہوں نے کچھوے کی زبان سے بیان کر دی, اور آخر میں خود یہ کہا کہ جو کچھ راوی نہیں جانتا یا اس نے بیان نہیں کیا ہے وہ سب کچھ میں نے بیان کر دیا ہے. تو اس میں تین آپ کو مل جائیں گے, کاشف صاحب خود مل جائیں گے, ناول نگار, راوی بھی جو بیان کرتے ہیں وہ ساری باتیں وہ بھی بیان, اس سے بھی آپ کو بہت مدد ملے گی, کچھوا خود بھی بہت کچھ بیان کرتا ہے اس حوالے سے. یہ سارے کردار, دو کرداروں کے بعد جب یہ کردار سامنے آتا ہے کچھوا کا, تو یہ دو کردار مزید کھل جاتے ہیں ہمارے سامنے. جو کچھ ہم نے ان کی کہانی پڑھی, جو کچھ باتیں رہ گئی تھیں, وہ کچھوا اس کی نفسیات کو بہت واضح کر دیتا ہے. تو یہ بہت اچھا کردار ہے جو انہوں نے علامتی طور پر انہوں نے تخلیق کیا. اس کے بعد ایک کردار سامنے آتا ہے بالے کا. بالا, یہ بھی, یہ عالمگیر کا جہاں ذکر ہوا ہے یہ عالمگیر کا ہی بیٹا ہے. اور بالا جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ دکھاتا ہے کہ جب اقبال محمد خان صاحب, یعنی اس کے جو مالک ہے اقبال محمد خان صاحب, جب وہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو چند مہینوں کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے, اور چونکہ تین لڑکیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے تو شوکت جو اس کا شوہر ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ چلو ایک بیٹا ہوا. وہ اس کو ہر وقت گھماتا ہے, کندھے پہ لے کے گھومتا ہے, لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا ہے, اور جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے نقوش واضح ہوتے ہیں اور وہ ملتے ہیں اقبال محمد خان صاحب سے. تو اب وہ جب بھی دیکھتا ہے تو اس کو ایک شک سا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس سے نفرت کرنے لگتا آتا ہے, اس کو اپنے بیٹے سے نفرت ہو جاتی ہے, اور بہت مار کٹائی جس کو کہتے ہیں, لان تان کرنا اس طرح سے. تو گھر میں بھی اس بالے کو سکون میسر نہیں ہوتا, پیار نہیں ملتا. اس کی بہن بھی ہوتی ہے, اس میں یہ دکھاتا ہے کہ گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ بالے کو بہت تنگ کرتے ہیں اس حوالے سے. گورا چٹا بچہ دکھاتا ہے اس کو, کہ گورا چٹا خوبصورت سا بچہ ہے, لڑکا ہو جاتا ہے, بڑا ہو جاتا ہے, تو باہر گاؤں میں ایک رفیق نام کا دوسرا لڑکا ہوتا ہے جو اس کی بہن کو تنگ کرتا ہے, اور چونکہ گھر میں تو اس کی یہ درگت بنائی جاتی ہے, کوئی پیار محبت نہیں, تو یہ بھی تیش میں آ کے ایک روز رفیق جو دوسرا لڑکا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے, پتھر سے اس کا سر کچل کے اس کو مار دیتا ہے. اور پتھر مارنے کی بھی بڑی ٹیکنیک ہے یہاں پر, کہ چونکہ وہ درخت پہ بیٹھتا تھا, اسے پرندوں کا, پرندوں کے شکار کا بڑا شوق ہوتا ہے, تو وہ نشانے لینے لگ جاتا ہے, تو اس کا نشانہ بھی بہت پختہ ہو جاتا ہے, کسی چیز کو مارنا ہو تو پتھر سے مار دیا. اور اسی طرح سے اس کا قتل بھی دکھاتا ہے کہ اس میں اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ اس نے پتھر سے اس کو مار دیا. اب قتل کے بعد وہ گاؤں چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے. اب یہاں سے ایک دوسری کہانی شروع ہوتی ہے بالے کی, کہ جب وہ شہر آتا ہے بھاگتے بھاگتے, اور اپنے کسی کزن کے گھر بھی چلا جاتا ہے, اور وہ بھی مذہبی ہوتا ہے, حافظ صاحب ہوتے ہیں کوئی, تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دو. یہ چونکہ واپس بھی نہیں جا سکتا, وہاں بھی اس کے لیے موت ہی ہے, تو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اب یہاں سے وہ ایک نئی گرفت میں چلا جاتا ہے, انتہا پسندوں کی گرفت میں چلا جاتا ہے. یہ ایسی کہانی ہے جسے ہم, یہ بلکہ اس کو کہنا چاہیے سچائی ہے, ہمارے معاشرے کی سچائی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کا دھیان نہ رکھیں, خیال نہ رکھیں, تو بہت آسانی سے وہ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ ان کا استعمال کرتے ہیں. میں آپ کی قطع کلامی کروں گی, میں چاہوں گی کہ آپ بالا پہ دوبارہ آئیں. میں یہ چاہ رہی تھی کہ آپ نے بہت, مطلب کہانی کافی
تفصیل سے بیان کی ہے. تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی آپ اس کو ظاہر بالا کے حوالے سے ہی جوڑیں کہ یہ کہانی شروع ہوتی ہے بے نظیر کے آنے سے, اس پر جو پہلا حملہ ہوا. اچھا مجھے یہ پتہ ہے کہ جب وہ جلوس جو پہلا جس پہ حملہ ہوا تھا اس میں میرے خیال سے کاشف بھی وہاں تھے, شاید رپورٹنگ کر رہے تھے, میں بھی وہاں تھی. بلکہ وہ جو دھماکہ ہوا تھا بالکل چند فٹ کے بہت ہی قریب ہمارے ہوا تھا, وہ خاصا مطلب اس کا ابھی تک اس کا ہے. اچھا تو یہ جو کہانی جو ہم کو شروع میں لگتا ہے کہ یہ شاید کوئی سیاسی حوالے سے یہ ناول ہے, بے نظیر کا وہ قصہ آتا ہے, پھر ظاہر ہے وہ جاوید اقبال کا آ جاتا ہے اور جاوید اقبال آفتاب اقبال ہمیں پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ اور ہے. پھر جب بالا آتا ہے تو اس کا ناطہ پھر اس چیز سے جڑتا ہے, تو اس حوالے سے میں چاہ رہی تھی آپ بالا کو لیں اور اس پورے اس پلاٹ کو بھی لیں جو سیاسی حوالے سے تھا. بالا کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس میں دکھاتا ہے کہ عالمگیر کہتی ہے کہ جب بے نظیر آخری بار آئی تھی تب بالا پیدا ہوا, تو بے نظیر سے اس کا خاص ناطہ ہے اس کی زندگی کے حوالے سے. تو 93 میں وزیر اعظم بنی تھیں, تو اس کے بعد یہ 14 سال یا 14 برس کا ہو جاتا ہے اور پھر واپس اب یہ جن ہاتھوں میں چلا جاتا ہے وہ انتہا پسند, مذہبی انتہا پسندی کا دکھاتا ہے, دہشت گردی کا معاشرہ دکھاتا ہے کہ وہ ان ہاتھوں میں ہے. اب وہ چونکہ چھوٹا سا نوجوان ہے, اس کو کسی چیز کی اس طرح کی سمجھ نہیں ہے, گاؤں سے بھاگا ہوا ہے اور شہر کی زندگی بھی نہیں جانتا, اور کسی نے اس کو اس قدر پیار بھی نہیں دیا, اعتماد بھی نہیں دیا کہ وہ کسی صحیح بات کو بھی سمجھ سکے. تو وہ جو اس کو جہاں لے جاتا, جس ہاتھوں میں جاتا, وہ اپنی زندگی کو بچانے کے چکر میں چلا جاتا. اسی طرح دکھاتا ہے کہ بھائی دہشت گردوں کے گروپ میں یہ شامل ہو گیا ہے اور اس کی مائنڈ پالش کی جا رہی ہے. مائنڈ پالش یہ کی جا رہی ہے کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب چیزیں. لیکن ساتھ میں یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہاں جو مولانا صاحب ہوتے ہیں یا پٹھان ہوتے ہیں یا اس طرح کے دیگر لوگ ہوتے ہیں, ان کو دکھاتا ہے کہ اس بچے کا بہت غلط استعمال کرتے ہیں, یعنی زیادتی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دکھاتا ہے اور یہ اس طرح سے آگے بڑھتی ہے اور یہ اب یہ اسی کو سمجھتا ہے کہ اسی طرح سے اس کی نجات ہے. لیکن جہاں یہ پہنچتا ہے وہاں پہ ایک عائشہ نام کی لڑکی ہوتی ہے, اس کو دیکھتا ہے تو یہ اس کو بہت اچھی لگتی ہے. اب وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اب میں شادی کروں گا تو اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا, لیکن پھر وہ اپنی زندگی کے جو صورتحال اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ یہ ایسا ممکن نہیں ہوگا. وہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ ایک روز میں شہید ہو جاؤں گا اور پھر اس کا کیا بنے گا, یہ روتی رہے گی میری یاد میں اور یہ بچے وغیرہ, یہ سب چیزیں وہ اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہے. لیکن یہاں پس منظر جا کے جڑتا ہے بے نظیر کے جلوس سے, سیاسی جلوس سے. اب اس کو تیار کرتے ہیں کہ آج تمہیں شہید ہونا ہے اور تمہیں یہ کام کرنا ہے. یہ چلا جاتا ہے اور اس کے پیچھے مزید لوگ بھی ہوتے ہیں, 3 ہوتے ہیں جن کے بم وغیرہ یہ سب فٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ذہنی طور پہ بھی تیار کرتے ہیں کہ جب پہلی آواز آئے تو تم سننا, دوسری آواز آئے تو تم سننا, تیسری آواز نہ آئے, دوسری کے بعد تمہاری باری ہے, تم یہ کام کرنا اور تمہیں اس پوزیشن میں آنا ہے. لیکن وہاں پہ جو منظر کشی ناول میں نظر آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس پر بھی نظر رکھتے ہیں, یہ کہاں جا رہا ہے, کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے اور اس نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں. پہلی بار تو ساکٹ کہتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے تو نہیں ہوتا, یعنی بلاسٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہ اس جگہ سے فرار ہوتا ہے, کہیں جا رہا ہوتا ہے تو تھوڑی دور ہی پہنچتا ہے کہ کس کوئی ہاتھ اس کو پیچھے سے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ بھی ایک مولانا صاحب ہے جو اس پہ نظر جس نے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اتنا ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جس کو بھیجتے ہیں اس پہ بھی ایک دوسرا انسان مختص کر دیتے ہیں نظر ثانی کے لیے. اب بے نظیر کے معاملات اس طرح سے ہیں کہ
बेनज़ीर जब वज़ीर-ए-आज़म बनती है और जुलूस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं तो रावलपिंडी का बड़ा अमल दखल है वहाँ के जो मामला दिखाते हैं वो ये कि भुट्टो को वहाँ पे फांसी हुई और दूसरी बार बेनज़ीर के साथ ये हादसा रुनुमा हुआ। तो लियाकत पार्क तो वहाँ से ये दिखाते हैं कि दूसरी लाश ऐसी होती है जो यहाँ कराची पहुँचती है या सिंध को वहाँ से मिलती है। अब ये सिलसिला इस तरह से क्योंकि हमारे पास वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उन्होंने कहा है जल्दी ख़त्म करने, तो कुछ सवालात मैं काशिफ से भी कर लेती हूँ फिर दोबारा आपके पास आऊँगी। काशिफ, आपसे ये पूछना था कि ये जब आपने इसका नाम चार दरवेश और एक कछुआ रखा, इसकी किस्सा चार दरवेश से इसका क्या लिंक है, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसको आपने बहुत पढ़ा था और उसका भी आप पे असर था, तो इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि इसमें मुझे पता है कि इसके स्ट्रक्चर में और जिस तरह से आपने उसको स्ट्रक्चर किया है ज़ाहिर है वो भी है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस नॉवेल में जो उससे कड़ी मिलती है। जी हाँ, असल में जो आदमी क्लासिकी अदब पढ़ता है तो और जो जारिया ज़िंदगी बसर कर रहा होता है तो उसकी पढ़ी हुई चीज़ों को कनेक्ट कर रहा होता है या करना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि हमारे क्लासिकी अदब को इस अंदाज से पढ़ना भी चाहिए बजाय इसके कि हम उसको एक कदीम चीज़ के तौर पर पढ़ें। उसकी एक किस्म की ये एक रीवैल्यूएशन भी है और फिर ये कि हमारे जो पुराने अदीब थे वो हमारी जो तहजीबी साइकी है उसके बहुत करीब थे, तो हमारी जो ख्वाहिशात हैं जैसे कि हम चार दरवेश और एक चार दरवेश के किरदारों को किस्सा चार दरवेश के किरदारों को देखते हैं कि उनके यहाँ दो हंगर्स बहुत पाई जाती हैं, एक तो खाने की कि जहाँ कहीं जाते हैं तो बताते हैं वहाँ अनवाउ अकसाम के खाने चुने हुए थे और फिर उन खानों के नाम लिखे हुए होते हैं, दूसरे रोमांस की या जिन्स की। तो ये एक पछड़े हुए माशरे की साइकी हमें नज़र आती है। ये तो सिर्फ एक मिसाल थी, और भी हैं। तो मैं किस्सा चार दरवेश मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा है, मेरा ख़्याल है 4-5 दफ़ा तो पढ़ा ही होगा, तो हर दफ़ा उसके किरदार जो हैं मुझे मासिर ज़िंदगी से बड़े मुतालिक नज़र आते हैं कुछ किरदार। फिर मैं ये भी समझता था कि एक तो स्ट्रक्चर बनाने के तरीके मगरिब से हम लेते हैं, तो हम जो हमारे क्लासिकी फिक्शन है उसमें भी दास्तान का स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम हेल्प ले सकते हैं, जिसे जिन्हें समझा तो कदीम जाता है पुराना सा जाता है लेकिन उसको हम मॉडर्नाइज कर सकते हैं। मसलन किस्सा चार दरवेश में का स्ट्रक्चर ये है कि एक दरवेश अपनी कहानी सुना के जब वो व्हेन ही इज़ इन अ फिक्स तो वहाँ उसकी कहानी रुक जाती है, फिर दूसरा दरवेश की कहानी शुरू होती है, वो कहानी एक जगह रुक जाती है, वो एक जगह किसी जगह मखमसे का शिकार होते हैं, किसी दरिया के किनारे खड़े हो जाते हैं या उनका महबूब उनसे बिछड़ जाता है, तो वो दे आर इन अ फिक्स कि अब मैं क्या करूं। तो इसी तरह चार दरवेशों की कहानियाँ जब किसी जगह पर रुक जाती हैं तो फिर एक बादशाह का किरदार आता है जो उनके मामलात हल करता है। तो इस नावल में भी एक कछुए का किरदार है, कछुआ और रावी मिलके इनके मामलात के बारे में सोचते हैं कि कैसी हैं उनके जो ज़िंदगियों के धागे बहुत उलझ चुके हैं ओवर द पास्ट 50 ईयर्स, तो उनको कुछ सुलझाने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ किरदार हैं जैसे इसमें सादिक भाई का एक किरदार है जो एक जावेद इकबाल की एक पड़ोस में रहती हैं खातून ज़रीना, उसका एक शोहर है जो बहुत भोला सा है जिसे ख्वाब आते हैं और जो एक किस्म का जैसे शुदाई होते हैं उस तरह का एक किरदार है। तो वैसा एक किरदार उसमें था किस्सा चार दरवेश में, वो सादिक के एक जिन था उसके पास एक खूबसूरत लड़की उसने कैद की हुई होती है। अब वैसे कहानियों में जो जिन होता है उसको आप लोग विलन समझते हैं लेकिन मुझे उसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आई कि ये जिन है, उसका भी दिल होगा ज़ाहिर है, उसने एक शहज़ादी को कब्ज़े में किया हुआ ज़ाहिर है, तो उसको विलन मतलब क्यों समझा जा रहा है, उसको जो आम मर्द हैं वो भी तो एक औरत पर कब्ज़ा हासिल करके या उसे हासिल करके उसे ऐसे ही अपने पास रखते हैं जैसे जिन्नात रखते हैं। तो जिन में ऐसी मुझे तो वो विलन नज़र नहीं आया, तो बड़ा भोला भाला सा था वो सादिक जिन। तो
اس میں کچھ اس طرح کی خصوصیات تھیں کہ اس کو خواب وغیرہ نظر آتے تھے جس میں کچھ اشارہ ہوتا تھا, تو اس کا نام میں نے صادق رکھ کے پھر اس کو اس سے ملانے کی کوشش کی. یا پھر ایک بیل سوار ہے, بیل سوار کا کردار بھی قصہ چہار درویش میں ہے. تو اس طرح کے کچھ کردار مجھے معاصر زندگی میں بھی نظر آئے, کنٹمپرری زندگی میں, ان سے ملایا پھر کچھ اسٹرکچر کو ملایا. تو یہ ہے کچھ سلسلہ, باقی قارئین کا کام ہے کہ وہ اس کو ایکسپلور کریں. تو جو آپ جب ہم انفلوئنسز کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کہا بھی ہے اور یہ ناول میں نظر بھی آتا ہے کہ آپ پہ یورپین لٹریچر کا کافی انفلوئنس ہے, خاص کر کنڈیرا, بورہیس وغیرہ کا, کچھ اس کے بارے میں اور کچھ آپ کے جرنلزم کیا, آپ کا جو کا جو تجربہ ہے یا جو آپ کی اس میں ہے اس کا اس پہ کوئی اثر, آپ کی لکھنے میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, صحافت کا تو ہے اور جو ملکی حالات سے میری دلچسپی ہے اس کا بھی ہے. بنیادی طور پر تو میں شاعر تھا, شاعری کرتا تھا, لیکن یہ ملکی حالات پہ کرتا رہتا تھا تو مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا تھا, کیونکہ شاعری کا کانٹیکسٹ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. اگر آپ ایک نظم آپ سناتے ہیں چلو اس پہ داد بھی مل جاتی ہے, لیکن اس کو آپ زیادہ تر قارئین اس کو کنٹیکسچولائز نہیں کر پاتے, اس کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے. تو میرا یہ خیال تھا کہ جو میں مطلب کڑ رہا ہوں ملکی حالات پہ, تو اس کے اوپر ایک فکشن بنایا جا سکتا ہے. اور کچھ چیزوں سے مجھے فرسٹ ہینڈ ان کی نالج بھی تھی, جیسے یہ بے نظیر کا جلوس, میں رپورٹر تو نہیں ہوں لیکن ان دنوں میں نیوز ایڈیٹر تھا ایک چینل میں, تو مجھے اطلاع ملی کہ ایک دھماکہ ہو گیا, تو میرے چینل کے قریب ہی تھی یہ جگہ کارساز, تو میں رپورٹرس کے نمبر نہیں مل رہے تھے تو میں خود ہی وہاں پہنچ گیا. تو اس اثنا میں دوسرا بھی دھماکہ ہو گیا تھا, جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ساری اسکیٹرڈ تھیں باڈیز. وہ سارا ایکسپیرئنس جو اس ناول کے شروع میں ہے وہ میرا ایکسپیرئنس ہے. دوسرا یہ کہ جو ویسٹرن لٹریچر ہے, ہمیں ہمارے پاس کہانیاں تو ہیں لیکن ان کہانیوں میں میننگ کی دریافت کے لیے ایک آپ کو ہیت ایکسپلور کرنی پڑتی ہے, اسٹرکچر ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو ملٹیپل میننگز دریافت کرنی ہے, اگر آپ کو سمپل ایک کہانی بیان کرنی ہے الف سے جے تک, تو پھر تو آپ کو کسی اسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کہانی بیان کرتے ہوئے آپ کو مختلف چیزوں سے آپ کا سابقہ پڑتا ہے جن کو آپ مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ ایک ہی چیز میں ملٹیپل چیزیں ایکسپلور کرنا چاہیں تو پھر آپ کو سٹرکچر سے مدد لینی پڑتی ہے. اور سٹرکچر کے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ ویسٹرن فکشن میں کیے گئے ہیں, لیکن وہ ایکسپیرینسز ایسے ہیں جن کی وجہ سے اگر میں قصہ چہار درویش جیسی بظاہر سادہ داستان بھی پڑھوں تو اس میں بھی مجھے سٹرکچر کا ایسی تجربات ملتے ہیں جنہیں ماڈرنائز بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ میں نے ذکر کیا. تو میلان کنڈیرا جیسے کہانی کو پرزے پرزے کر کے لکھتا ہے کہ ایک تو چھ سات حصے چیپٹر بناتا ہے, پھر ایک ہی چیپٹر کے اندر وہ کہانی کو پرزے پرزے کر دیتا ہے, مختلف اسپیکٹس اور مختلف امیجز کے میننگ نکالتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی میں کسی امیج کے, کسی واقعے کی کہ کتنی میننگ ہوتے ہیں. کوئی واقعہ یا کوئی معاملہ ریکر ہو رہا ہے بار بار, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص کسی خاص معنی کی طرف اس کی سمت نمائی کی جا رہی ہے. یہ کنڈیرا سے سیکھا. امبرٹو ایکو مجھے ان دنوں بڑا پسند تھا جن دنوں میں یہ ناول لکھ رہا تھا, کیونکہ وہ اس جیسے جیمز جوائس نے مختلف سطحوں پر ایک ناول لکھا یولیسس, مگر وہ لسانی تجربات کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. لیکن امبرٹو ایکو نے بھی اسی طرح ناول لکھا لیکن لسانی تجربے اس میں نہیں کیے. یعنی اس کا ناول بیک وقت ایک جاسوسی ناول بھی ہے, لیکن جو سن 1400 سے پہلے کا جو مسیحی معاشرہ ہے اس میں جو مذہبیت ہے, جو فرقہ واریت ہے, اس کے معاملات اور اس کے مسائل بھی ہیں اور بھی کئی مسائل ہیں, تو اس کا جو لیئرڈ کانسیپٹ ہے ناول کا وہ مجھے ان دنوں بڑا پسند تھا. تو شاید اس کا بھی کچھ اثر ہو. پھر فلمیں میں دیکھتا تھا, اب بھی دیکھتا ہوں, مجھے بڑی پسند ہیں. ان میں بڑے بڑے تجربات کیے گئے ہیں. سب کا ذکر تو میں نہیں کرنا چاہوں گا, وہ قارئین کو خود ایکسپلور کرنا چاہیے. فلموں کا ذکر بھی ہے کتاب میں کافی ساری فلموں کا. اچھا یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی بہت مختصر, کہ جو زبان جو باتیں ہم انگریزی میں پڑھ لیتے ہیں, انگریزی کی ناول میں لکھی جاتی ہیں خاص کر جنسیات کے حوالے سے, تو وہ جب ہم اردو میں لکھنے جاتے ہیں تو تھوڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے.
आपने थोड़ा कछुआ और रावी का बताया है, मुझे लगता है कि कछुए का इस्तेमाल कुछ इस वजह से भी किया गया क्योंकि बहुत सारे उसके इक्तबासात अंग्रेज़ी में हैं। बाला का नाम जो दिया गया वो इंग्लिश में लिखना आपके लिए शायद ज़्यादा आसान था, तो और मुझे पता है कि ये जब आपने तर्जुमा हनीफ़ की नावल का किया तो भी ये मुश्किल सामने आई थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, ये उर्दू असल में अभी पहले तذکرہ भी हो रहा था, हम एक नज़म भी सुन रहे थे, उर्दू से कुछ हमने ऐसे तसव्वुरात वाबस्ता कर लिए हैं कि उर्दू बड़ी कौसर व तस्नीम में धुली होती है, लेकिन फ़िक्शन जो है वो ज़िंदगी का अक्कास होता है। शायरी तो चलो आप कैसी भी करें, वैसे शायरी भी आजकल लोग मुख्तलिफ़ कर रहे हैं जिसमें इसका पास नहीं रखा जाता महज़ब रवैयों का, लेकिन फ़िक्शन ज़िंदगी का अक्कास होता है और हम आम ज़िंदगी में देखते हैं कि हम कैसे गुफ्तगू करते हैं। तो एक किरदार की अगर हम नुमाइंदगी करना चाहें तो जब तक हम उसका डिक्शन पेश नहीं करेंगे तो हम उसको फिर उसकी नुमाइंदगी दुरुस्त तरीके से हो नहीं जा सकती। तो लेकिन इसकी डिपिक्शन, किरदारों की डिपिक्शन उर्दू में करने में बड़ा मुझे मसला दरपेश रहा है। एक तो वजह यह भी है कि मैं ख़ुद भी एक ट्राईलिंगुअल हूँ, मतलब मैं कोई भी दिन इन तीन ज़बानों में से किसी एक के बग़ैर नहीं गुजार सकता, यानी उर्दू, पंजाबी और अंग्रेज़ी। और मेरे जो जानने वाले हैं या जिनसे मैं मिलता हूं तो उनको चूंकि तीनों ज़बानें समझ आती हैं, तो हम या मैं कम से कम इन तीनों ज़बानों में या इन तीनों ज़बानों के जो ख़ास एक्सप्रेशंस होते हैं उनको एज़ इट इज़ भी कर देता हूं। मैं ये कोशिश नहीं करता कि मैं उर्दू बोल रहा हूं तो बड़ी शकील किस्म की उर्दू बोलूँ या अंग्रेज़ी या पंजाबी, उसके जो फ़िक्रे बड़े मानी खेज़ होते हैं वो मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। लेकिन जब मैं नावल लिखने लगा तो मुझे लगा कि उर्दू में, सिर्फ उर्दू में लिखते हुए बड़ा मसला मुझे हो रहा था, जबकि अंग्रेज़ी में कुछ ऐसे मामला जिनकी तरफ आपने इशारा किया वो बड़ी आसानी से खप जाते थे, और जब ये नावल शाया भी हुआ तो वो जो अंग्रेज़ी के टुकड़े हैं उनके ऊपर किसी ने नाक भौं नहीं चढ़ाई, बल्कि किसी ने उसके ऊपर तवज्जो भी नहीं दी, बल्कि पंजाबी के जो पैराग्राफ थे और पंजाबी में भी वो एक्सप्रेशन ज़्यादा आसान थे, ख़ासतौर पर बाला के जो जज्बात थे उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, लेकिन उन पर भी नहीं तवज्जो लोगों ने दी। उर्दू में जो चीज़ें ऐसी आईं जो कि कम आईं, जो कि मैं अंग्रेज़ी में और पंजाबी में सर्फ कर चुका था, वहाँ लिख चुका था, उर्दू में ऐसी आईं, तो मेरा ख्याल है कि ये अभी इब्तदा है। अगर उर्दू फिक्शन को तरक्की करनी है तो इस तरह के एक्सप्रेशन लाने पड़ेंगे, और इसमें अगर उर्दू में कोई मुश्किल है तो पंजाबी और अंग्रेज़ी से मदद ले सकते हैं, क्योंकि ये ज़बानें भी हमारे यहाँ उतनी समझी जाती हैं। कोई नावल किसी ज़बान में अगर लिखा जाए तो ज़रूरी नहीं कि थ्रू आउट ए से जी तक एक ही ज़बान में हो, उसमें जो किरदार के एक्सप्रेशन हैं अगर वो किरदार पंजाब से ताल्लुक़ रखता है या पढ़ा लिखा है या कॉलेज में पढ़ता है तो उसकी ज़बान में अंग्रेज़ी पंजाबी एक्सप्रेशन आना लाजमी है, और उसकी डिपिक्शन करते हुए भी उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। डॉक्टर शर्मा, 5-10 मिनट में खाल से हमारे पास अभी हैं। अच्छा, मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप, हमने आपने काफ़ी तफसील से इस नावल के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मेल कैरेक्टर्स, उनके बारे में हमें बताया और उन्हीं को कहानी के साथ जोड़ा, और थोड़ा थोड़ा ख़वातीन का भी जिक्र आया, लेकिन इसमें काफ़ी सारी ख़वातीन हैं, और मैं चाह रही थी थोड़ा सा आपने किस तरह से इसको देखा, क्या काशिफ उनके किरदार कशी में भी उतने ही कामयाब रहे हैं जितना कि वो अपने दूसरे किरदारों, मर्द किरदारों के उसमें रहे हैं, कितना डेवलप कर पाए हैं, और क्या किस तरह से वो हर खातून मुनफरिद है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ। इस नावल में जो मरकज़ी किरदार है तो वो तो 5 हैं, और वैसे 4 इस तरह से हैं कि खान मोहम्मद इकबाल मोहम्मद ख़ान साहब हैं, जावेद इकबाल है और आफ्ताब इकबाल है, और चौथा बाला है। ये मरकज़ी किरदार है, इन किरदारों के साथ जो इनकी कहानी आगे बढ़ती है, इन किरदारों के साथ ये ख़वातीन हैं, यानी मौनस या फीमेल किरदार। तो ये किरदार इनकी कहानी नहीं है, इन कहानी के साथ जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई से मुराद ये कि जिस तरह एक डोमिनेंट मुआशरा है उसमें ये जब किरदार, ख़वातीन का किरदार जब सामने आता है तो तसादुम का शिकार भी हो जाता है। अगर सामने से मज़ाहमत है तो तसादुम का शिकार होगा। उसमें ये जावेद इकबाल को दिखाता है कि वो काफ़ी ग्रिफ्त और डोमिनेंट टाइप के हैं,
جس طرح وہ اپنے والد صاحب جن کا اقبال محمد خان صاحب وہ جس طرح سے ہیں, تو اس میں مثال اس طرح کی خاتون ہوتی ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کرتی ہیں. یعنی اگر کوئی چیز انہیں پسند نہیں ہے, کوئی معاملات انہیں پسند نہیں ہیں, تو وہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ یہ تم نہیں کر سکتے. اسی طرح بہت ساری ان کو دکھاتے کہ وہ بہت ماڈرن ہیں, وہ خاتون ہر طرح سے ادھر جانا, اپنے معاملات طے کرنا, فیصلے کرنا, اینکر پرسن ہیں, ان کی ترقی ہو جاتی ہے, صحافت سے انہوں نے آغاز کیا, پھر اینکر بن جاتی ہیں. پھر وہ دکھاتا یہ ہے کہ جاوید اقبال ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتی ہے کہ تم اتنا کمپرومائز نہیں کر سکو گے, یعنی ان کو اپنا کریئر بنانا ہے. اور اس طرح سے وہ یہ بھی سوچتی ہیں چلو ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں معاملات کو, لیکن آخر میں ہوتا یہ ہے کہ جو جاوید اقبال ہے وہ انہیں تنگ کرتے ہیں. جب وہ انہیں تنگ کرتے ہیں تو ان کی یہ بات انہیں مشال کو پسند نہیں آتی. جب وہ ایک موضوع پر ایک مدعے پہ بات کرنے آئی ہے, یعنی شادی کے لیے بات کرنے آئی ہے, تو اس طرح کی حرکات انہیں پسند نہیں آتی, تو وہ اسی وقت فیصلہ کر دیتی ہیں کہ آج کے بعد تم اپنی شکل مت دکھانا یا میرا پیچھا نہ کرنا. تو اس طرح سے جاوید اقبال بہت ہرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, اور پھر وہ گمسم یعنی خاموش ہو جاتے ہیں. پھر جو ان کی بھابھی ہوتی ہیں سلمہ, ان کا کردار, سلمہ جو ہے وہ آفتاب اقبال کی بیگم ہے, یہ وہی لڑکی ہے جو انہیں بہت پسند کرتی تھی, اور پھر ان سے خود اس نے اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کی, لیکن وہ اس انداز سے کہ چلو ٹھیک ہے, بعد میں کبھی نہ کبھی تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. اب یہاں یہ والا کردار ہے. دوسرا کردار اقبال محمد خان صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں, ان میں سلطانہ بیگم ہے, وہ ان کی پسند کی ہیں, دوسری شادی کی ہوتی ہے, لیکن وہاں بھی یہ ہے کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ اقبال کسی اور خاتون کے ساتھ ملوث ہیں اور وہ اپنے آنکھوں دیکھا حال, تو وہ اس وقت ان سے ناراض ہو جاتی ہیں, اور وہ کہہ دیتی کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی, اس لیے وہ ان کو وہیں چھوڑ کے آ جاتی ہیں. تو یہاں یہ ساری چیزیں, یہ کردار سارے جڑے ہوئے ہیں مردوں سے, مردانہ کردار سے. تو علیحدہ سے تو انہوں نے نہیں لکھا, کردار کشی نہیں کی, لیکن یہ بہت جاندار کردار ہیں, لیکن مرکزی کرداروں کے ساتھ ہیں. تو یہ ان کا حوالہ ہے. دوسرا جو امتل ہے وہ مذہبی خاتون ہے, ان کو اسی طرح سے رکھا اور ان کو دکھایا بھی اسی طرح سے, ان کو پوری زندگی. زرینہ بھی ہے, زرینہ بھی ایک کردار ہے. ہاں, عالمگیر اور زرینہ دو ایسے کردار سامنے آئے. عالمگیر کا تعلق تو جاوید اقبال سے ہوتا ہے, اور زرینہ کا تعلق جاوید اقبال سے ہوتا ہے, اور عالمگیر کا تعلق اقبال سے ہوتا ہے, اقبال محمد خان سے. یہ دونوں کردار ایسے ہیں خواتین کے, جو ایک تو خوبصورت ہیں دونوں خواتین, اور دونوں کے جو شوہر ہیں وہ ان پہ کوئی توجہ نہیں دیتے اس طرح سے, لیکن وہ کردار ناآسودہ کردار ہیں, اور اسی وجہ سے وہ استحصال کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یہ خواتین. ایک تو اس کے اقبال محمد خان صاحب نے اس کا استحصال کیا ہوتا ہے, دوسری طرف زرینہ ہوتی ہیں جس کا استحصال جاوید اقبال کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کا کردار ہے, اور بعد میں یہ دونوں کردار دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, یعنی دونوں اس سے پھسل کر, جس کو کہتے ہیں ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ شفٹ ہو جانا, تو یہ دونوں کردار اسی طرح سے کہ کچھ وقت کے لیے ان کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں, اچھا وقت سمجھ کے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ دوست ہیں یا اچھا ہے, ہماری زندگی کے لیے بہت بہتر ہے, بہت مددگار ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہو جاتی ہیں اور اسی میں ہی زندگی گزارتی ہیں. اور زرینہ کا بھی یہی دکھاتا ہے کہ آخر میں جب وہ جاوید اقبال ان سے ملنے آتے ہیں تو وہ اتنا سرسری ملتی ہے کہ جیسے وہ ان کو پہچانتی نہیں ہے, صرف اتنا جانتی کہ وہ ان کے پڑوس میں رہتے ہیں. تھینک یو. ایک کردار اور بھی ہے جو کرینہ کپور کا ہے, لیکن وہ آپ کے تھوڑا تجسس رہے, کتاب پڑھیں, سب کچھ ہی نہ ہم بتا دیں. ہاں, یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں بھی کہہ دوں گی کہ زرینہ اور کرینہ نام جس طرح سے ملتے جلتے ہیں, بالکل شکل بھی ان دونوں کی اسی طرح ملتی جلتی دکھائی ہے, کہ کرینہ پہ وہ بہت آئیڈیلائز کرتے, کرینہ کو پوسٹر لگاتے اپنے کمرے میں اور اس طرح سے, تو وہ اسی شکل کی زرینہ ان کو نظر آ جاتی ہے, تو بس وہ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر شمع نے کافی تفصیلاً بتایا ہے, لیکن میں پھر بھی کہہ دوں کہ
किताब में बहुत कुछ है, इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आपने पढ़ा नहीं है, ये तो हमने अभी इसका आधा भी नहीं आपको बताया है जी। अगर वक्त हो तो एक दो सवाल हम ले लें ऑडियंस से। शकील साहब, एक दो सवाल कोई अगर करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपकी इस काविश के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि जब एक एडिशन के बाद हम दूसरा एडिशन मौका मिलता है तो कुछ इजाफा और कुछ तफरीक कर देते हैं लोग, तो क्या आपने ऐसा किया, और अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मौका तो मिला था लेकिन तब्दीली नहीं की। तो नहीं, मौका मिले तो दूसरा नावल ही लिखना चाहूँगा। नावल में तो उन्होंने कोई इजाफा नहीं किया है, लेकिन एडिशन में हमने दो रिव्यूज़ शामिल किए हैं, एक मोहम्मद हनीफ साहब का, एक फरनूद आलम साहब का, वो भी पढ़ने के लायक रिव्यूज़ हैं। जब डॉन में आपका प्राइज़ के बारे में मालूम हुआ तो बहुत ही खुशी हुई। एक चीज़ मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं जब आपका कोई नावल ये वाला पढ़ ले, तो अगर सिर्फ एक दो सेंटेंसेस में उसके ऊपर क्या असर होना चाहिए, उस वक्त आपको किस तरह के असर से खुशी होगी कि इसने मेरा ये नावल पढ़ा और उसके ऊपर ये असर पड़ा मेरे नावल का, वो कौन सी चीज़ है जो आप चाहेंगे? नहीं, अब तक जिन कारीन ने मुझसे रब्ता किया, मल्टीपल उनके असरात हैं। मसलन एक कारी ने रब्ता किया, उसने कहा कि वो सरीना जैसे किरदार आपने दिखाया, बाद में वो बड़ी मुसलमान हो गई, तो ये तुमने बड़ा राह हक की तरफ लोगों की रहनुमाई की। मुझे इस बात से भी खुशी हुई कि मैं कैरेक्टर जैसा जा रहा था तो वैसा मैंने दिखाया, मैंने उस पर खुद मुसल्लत होने की कोशिश नहीं की। मतलब मुझे खुद अच्छा नहीं लगा कि मतलब कोई किरदार इस तरह का हो जाए, लेकिन अगर वो हो रहा है तो मुसन्निफ़ को उस पर कुछ करना, मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। असर मुझे कौन सा पसंद है, मुझे ये है कि इस नावल को एक्सप्लोर करें, यही है। चाहे तनकीद करें या तारीफ़ करें वो तो दूसरी बात है, लेकिन ये एक उनके अंदर एक, जैसे कि आसिफ साहब ने क्वेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनके अंदर एक क्वेस्ट पैदा कर दे, या इट बिकम्स इंट्रीगिंग फॉर देम, तो ये मेरा ख्याल है कि ये मुझे ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमा और काशिफ, आप दोनों का शुक्रिया। T2F